नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। बात की जाए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, भोपाल एक गोविंदपुरा का मशहूर मेला है, देख सकते हैं भोजपाल महोत्सव मेला। उसी मेले में आएंगे, मेले में हम दुकानदारों से ही बात करेंगे और कस्टमरों से ही बात करेंगे जो मेला घूमने आ रहे हैं। देख सकते हैं तमाम खाने पीने की दुकान और चाय मेले के झूले भी हों, देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा ये तमाम यहाँ पे सजावट पूरी हो चुकी है और मेला में विभिन्न प्रकार के आपको सामान मिलेंगे, चाहे कपड़े हों या बर्तन हों या खाने पीने का आइटम है, तमाम देख सकते मेला में। ये देख सकते दिल्ली चाट वाले भी यहाँ पे आए हैं। दिल्ली चाट एवं फिंगर चिप्स देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर बहुत पुरानी दुकान मेला में आती है। मालवा के प्रसिद्ध घड़ाड़ू वो भी आप देख सकते हैं। कुछ हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे जो मेले में घूमने आए, उनसे पूछेंगे तो किस प्रकार से, कुछ महिलाएं हैं, बात करेंगे कैसे मेले को आप किस प्रकार से देखती हैं, कितना उत्साह खुशी है। बहुत ज्यादा ही खुशी हो रही है भोपाल में, अपने भोपाल में बहुत अच्छा लगता है कि मेरा भोपाल कितना आगे बढ़ गया है। कोरोना के बाद इतना सब शुरू हुआ है तो बड़ा एक उत्साह होगा। बहुत ज्यादा उत्साह है और इस बार ज्यादा ही भीड़ भी है, काफी लोगों का मतलब कि आना भोपाल मेला में अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कितनी? बहुत ज्यादा उत्साह हो रहा है क्योंकि पिछले दो वर्षों से लॉकडाउन कोरोना के कारण जो स्थिति यहाँ की बहुत खराब थी पूरे विश्व की, ना कि भोपाल की, बट आफ्टर टू ईयर ये जो माहौल है वो बहुत ज्यादा उत्साहपूर्वक माहौल है और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मेले में सभी सामान सस्ता है, बहुत सस्ता है, सबको आगे लेना चाहिए। अच्छा है और हर चीज मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है ना। तमाम प्रकार की दुकानें मेला में लगी है, हम बात करेंगे। देख सकते हैं भोपाल में ये मेले में मालवा के प्रसिद्ध गढ़ आलू आए, हम बात करेंगे उनके यहाँ जो बनाने वाले कैसे बनाते हैं। सर इसको पहले छीला जाता है, छीलने के बाद इसको बाद तला जाता है, तलने के बाद हरी मिर्ची चटनी पुदीना वगैरह की उसकी सबकी चटनी मिलाई जाती है और बाबल मसाले के जायका दिया जाता है। बड़ी मेहनत से बनाते जी हाँ सर। मालवा का प्रसिद्ध इसलिए है इसकी तासीर गर्म होती है और सबसे अच्छी चीज ये है कि इस वक्त जो भी चीज इसमें कोई खाद्य पदार्थ कुछ भी नहीं डलता है, जमीन से निकला हुआ रहता है ये। इसके बाद इससे बड़े बड़े पीस निकलते हैं और इसकी तासीर जो रहती है बहुत पौष्टिक होता है और सर्दी के लिए आपके अंडे भी कोई नहीं लगते इसके आगे। मेरा नाम दीपक राठौर है, मेरे को ये करते करते 15 साल से ऊपर हो चुकी है और 12 महीने आपको गराड़ू बोट क्लब पर परमानेंट मिलता है। देख सकते हैं भोपाल उत्सव मेला में खाने पीने की भी बड़ी दुकानें आई हैं और कुछ जो प्रसिद्ध है, मालवा है, दिल्ली है, हरियाणा है, चाय चाट हो, ये दिल्ली की कैमरा मैन से कहूंगा दिल्ली की ये चाट कॉर्नर भी जरूर दिखा, हम बात करेंगे इनके कैसे इस बार आप फिर से मेला में आए, अगली बार में मुलाकात हुई कैसे, इस बार कितनी खुशी है, इस बार कैसा? इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे भाग ही खुल गए हों और हम ये सोच रहे हैं कि मेला अच्छी तरह से चलना चाहिए और हमारा दिल्ली चाट के नाम से हमारी दुकान हमेशा लगती है यहाँ और नई नई वैरायटी लेके आते हैं और टेस्ट हमारा सब दिन अलग हटके रहता है। कोई भी भाई बहन यहाँ पे मेले में घूमने आए तो दिल्ली चाट के नाम से दुकान रहेगी अपनी और यहाँ का कुछ न कुछ व्यंजन खाएं और टेस्ट करें उसको, है ना। तमाम प्रकार की खाने पीने की दुकान है, जलेबी मावा रबड़ी जलेबी देख सकते हैं, बड़ा ही प्रसिद्ध है। हम बात करेंगे यहाँ पर जो ये दुकानदारों से भी चर्चा करेंगे किस प्रकार से बन रही है, देख सकते हैं पूरी तैयारी चल रही है और यहाँ ये रबड़ी है जलेबी के साथ खिलाई जा रही है। दुकानदारों से बात करेंगे हम, सेठ जी से उधर ही आ रहे हैं उधर तो यहाँ पर बैठे हैं हम और जो खाने पीने की बड़ी दुकान है भोपाल उत्सव मेले में, हम बात करेंगे जलेबी वालों से किस प्रकार से इस बार का मेला आप कैसे देखते हैं, इस बार कैसा लगा? अच्छा लगा है सर, बहुत अच्छा मेला लगा इस बार, उत्साह और खुशी है, बहुत खुशी है सर। 2 साल के बाद ये सब चीजें मिल रही हैं हमको करने को, 2 साल से इंतजार था हम लोगों को, बहुत अच्छा लगा है। ये बड़ी आपके पास विभिन्न प्रकार के मीठे खाने वाले आइटम है, चाय रबड़ी हलवा भी दिख रहा है, गाजर का भी दिख रहा है, तो कैसे स्वच्छता और कितनी साफ सफाई से बनाते हैं? सर ये पूरी साफ सफाई से बनाया जाता है,
इसके हमारा एक गोदाम है, पूरा हम घर से बना के व्यवस्थित करके लाते हैं, साइड बहुत अच्छे से व्यवस्थित करके लाते हैं। क्या क्या नाम लिखते हैं? मैं संतोष कंकर। आए आप? भोपाल से हूँ सर मैं, ऐशबाग स्टेडियम। तमाम प्रकार की मिठाइयाँ हैं, तमाम प्रकार का मेला में ये झूले भी आप देख सकते हैं, बड़े बड़े झूले हैं। तो जरूर जो भोपाल उत्सव महोत्सव मेले में जो आना चाहते हैं और यहाँ का जो माहौल है खरीदारी का, चाहे कपड़े गर्म हो या खाने पीने का आइटम है, जरूर एक बार यहाँ पर इंजॉय करें। राजधानी समाचार दिन ये विश्वकर्मा की रिपोर्ट, भोपाल उत्सव मेला, गोविंदपुरा, भोपाल। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।